हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन यूट्यूब पर आया था नाबू। आज मैं जो अपना न्यू कूचबिहार रेलवे स्टेशन है उसका मैं एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूँ। तो ये जो न्यू कूचबिहार जो रेलवे स्टेशन है, ये अपना जो कूचबिहार टाउन है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर में है। और इसका देखो, स्टेशन का जो एंट्री में ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है। और यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट दो अलग अलग तरह का रोड है। जो एंट्री की तरह है वो लेफ्ट साइड में एंट्री होता है, राइट साइड में आपको एग्जिट करना है। और एक राउंड शेप में है यहाँ पे, तो ये इंडिया का फ्लैग यहाँ पे उड़ रहा है, काफ़ी बड़ा सा इसका फ्लैग दिया इन्होंने। और यहाँ पे आने के लिए नॉर्मल जो टोटो होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा हूँ, टोटो बोलता है यहाँ पे, और एक ऑटो, ये दो है मेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस है एक, और नॉर्मल अपना पर्सनल कार लेके आप आ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये काफ़ी बिग साइज़ का एक पार्किंग है जो फोर व्हीलर का पार्किंग है। तो यहाँ पे कुछ पार्किंग का चार्ज लगता है, अगर फोर व्हीलर लेके आ रहे कोई आपको छोड़ने तो उनको ये चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे। और लेफ्ट साइड में जहाँ पे एंट्री है, देखो यहाँ पे कुछ एसेंशियल फूड का शॉप है, जो नॉर्मल पानी, बिस्किट, ये सिगरेट, गुटखा वगैरह है, तो वहाँ पे परचेस करते हैं लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टेशन है देखो, काफ़ी जो कूचबिहार का जो हेरिटेज टाइप का जो बिल्डिंग्स होता है, रेड कलर का, जो राजा का टाइम का होता है, उस तरह का है, काफ़ी पुराना है। ये जो लेफ्ट वाला बिल्डिंग है रेड कलर का, ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, इसको अभी कलर करके मॉडिफाई किया। सामने देखो यहाँ पे अभी कुछ शुगर कैन जूस का शॉप भी है गर्मी का टाइम। ये लेफ्ट साइड में बाइक का जो हेलमेट अपना पार्किंग है वो है, इसमें से एक ही उन लोग मेंशन कर दिया कि हेलमेट आपको खुद को संभालना है। और वो एक जायंट स्क्रीन लगा है यहाँ पे स्टेशन का बाहर ही, जहाँ पे ट्रेन का टाइम टेबल वगैरह दिख रहा है। अंदर तो है ही, ये बाहर वाला पहले नहीं था, ये बाहर में भी लगाया है, वो काफ़ी बड़ा स्क्रीन है यहाँ पे, तो आप बाहर भी देख के वेट कर सकते हो जब तक आपको ट्रेन का टाइमिंग ना आए। सो ये जो एरिया है, ये पिक एंड ड्रॉप एरिया है। यहाँ पे गाड़ी आपको रुकने नहीं देगा, देर आपको बस यहाँ पे किसी को पिक करना है या ड्रॉप करना है, यहाँ पे कर सकते हो। यही मेन एंट्रेंस है, फिर आपको यहाँ से मूव करना है। तो वैसे ये ऑटो आया है, इसमें लगभग 10 पैसेंजर्स आता है, 20 रुपीज़ प्राइस देते हैं। कूली भी है यहाँ पे, आपको कूली लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्मल टिकट काउंटर है लेफ्ट में, रिजर्वेशन की अलग जगह में है। और ये मेन एंट्रेंस है इनका, जो स्टेशन का मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस एक्चुअली यहाँ पे एक ही है, मेन मीन एक ही एंट्रेंस है। यहाँ पे देखो दो तरह का स्टेयर केस भी है और अपना स्लोप वे भी है। अब वो आपको बैग कैरी जो ट्रॉली है उसको लेने के लिए ये स्लोप है, अब इससे जा सकते हो ऊपर। एंट्री में आपको टीसी वगैरह मिल जाएगा, देखो यहाँ पे टीसी खड़ा है। तो ये मेन डोर है, यहाँ पे मशीन डोर भी है और नॉर्मल भी है, कभी मशीन से भी चेक होता है कि नॉर्मल भी चेक होता है। तो अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं इसमें। देखो यहाँ पे हेल्थ एटीएम इज दर इन ट्रेन, ये न्यू फंक्शनलिटी है कि ट्रेन का अंदर ही मेडिसिन का रहता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उन लोग देख लेंगे वहाँ पे। और ये अभी इलेक्ट्रिक लाइन हो गया, पहले यहाँ पे ओनली डीजल लाइन ही था, तो अभी पूरा अब तो गुवाहाटी तक इलेक्ट्रिक लाइन हो गया इस एरिया में। तो ट्रेन जो है अभी इलेक्ट्रिक में चलता है यहाँ पे, और काफ़ी ह्यूज वाटर पाइपलाइन है ट्रेन को वॉश वगैरह करने के लिए। ये जो है देखो, एसी में जिसका टिकट रहता है उसके लिए वेटिंग हॉल है सेपरेटली, और नॉर्मल स्लीपर का अलग है। तो ये अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जा रहे हैं। इसमें 4 से 5 प्लेटफॉर्म है नॉर्मल जो ट्रेन में चढ़ने के लिए, और बाकी गुड्स ट्रेन के लिए अलग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे पीछे। और देखो ये स्केलेटर का भी अभी अरेंजमेंट हुआ है, बट इसमें हैवी लगेज आप नहीं कर सकते हो। स्केलेटर में दोनों है, अप एंड डाउन दोनों है। ये एक गुड फैसिलिटी है, जिसको स्टेयर में उतना प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे करके जा सकते हैं। और ये स्टेयर केस है आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। हैवी बैग है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको लिफ्ट फैसिलिटी भी है यहाँ पर। ये जाना हर एक नया फैसिलिटी है यहाँ पर, काफ़ी कम प्राइस में आपको लाइक लंच पैकेज पूरा मिलता है, जन आहार बोलते हैं उसको। ये क्लॉक रूम है, आपको जो लगेज वगैरह है वो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कहीं पर भेजना है तो। ये जो रेलवे पुलिस का जो पोस्टिंग है, ये अंदर ही एक उनका ऑफिस है, तो कुछ भी आपको रेलवे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको डायरेक्ट जैसे कंप्लेन कर सकते हो। और जो बैठने का जगह है वो अंदर तो एसी का नॉर्मल स्लीपर के बैठने का जगह है, ये छोड़ के भी पूरा स्टेशन एंड फर्स्ट टू लास्ट कम्प्लीटली चेयर है, इसमें कंटिन्यू चेयर है, तो बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफ स्पेस है एक्चुअली। तो यहाँ पे वाटर फैसिलिटी, इन लोग आरओ वाटर बूथ बोलता है इसमें, तो ये काफ़ी प्योरीफाइड वाटर मिलता है। अगर आपको घर से ऑनली बॉटल लेके आते हो, आप उसमें पानी लेके पी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्यू इलेक्ट्रिक वायर का प्रॉब्लम चल रहा है, वो काम हो रहा है।
पूरा टीम रहता है, या पे कुछ भी इशू होगा तो इंस्टेंट सब उसको मॉडिफाई किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। नॉर्मल बाहर का सीट में लोग कम ही रहता है क्योंकि ऑलरेडी अंदर इनफ जगह होता है तो वहीं पे लोग बैठते हैं एक्चुअली। ये हम लोग जो प्लेटफॉर्म वन की तरफ जो टूअर्ड सिलीगुड़ी है उधर की तरफ जा रहे थे, तो पूरा स्टेशन अभी सीसीटीवी कवर कैमरा से वो है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा कुछ भी घूम गया तो आप पूरा सीसीटीवी देख सकते हो। ये देखो एक मॉडल ट्रेन रखा है यहाँ पे, तो ये लिफ्ट फैसिलिटी है जो आपको अगर नीचे से आपको स्टेयर में प्रॉब्लम हो, आपका भारी बैग है, तो आप सीधा लिफ्ट में ऊपर जा सकते हो। फिर लिफ्ट में जाके आप कोई हर प्लेटफॉर्म में लिफ्ट है तो आप कहीं से भी जाके वहाँ उतर सकते हो। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी जैसा मशीन आया है यहाँ पे जो वाटर बॉटल है उसको रिसाइकलिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप वाटर बॉटल जो वेस्ट है वो रख सकते हो। और ये डस्टबिन है सेपरेट यहाँ पे, और वाईफाई फैसिलिटी है पूरे स्टेशन में, फ्री वाईफाई फैसिलिटी है। और अंदर काफ़ी सारे स्टेशनरी शॉप भी है, अगर आपको बाहर कुछ नहीं लिया तो अंदर ले सकते हो। ये आरपीएफ का असिस्टेंट बूथ है, यहाँ पे आप कुछ भी कंप्लेंट कर सकते हो। ये रिजर्वेशन चार्ट है जो ट्रेन छोड़ने से एक घंटे पहले यहाँ पे चार्ट टंगा जाते हैं कि टिकट क्या कन्फर्म हुआ नहीं हुआ, अभी तो ऑनलाइन सब देखते हैं। और ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट कुछ पानी और जो अपना मिट्टी वगैरह वो रखा है यहाँ पे। ये स्लॉपिंग हुआ है फॉर ट्रॉली, ट्रॉली लेके अगर आना है आप आ जाओ इसमें से। और ये जो रेस्टिंग रूम है ये अपना स्लीपर कोच का जो टिकट होता है सेकेंड क्लास का, उसका वेटिंग हॉल है, काफ़ी बड़ा वेटिंग हॉल है। इसमें फ़ैन वगैरह है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, आप आराम से रेस्ट ले सकते हो, या उसका अंदर ही बाथरूम भी है, टॉयलेट फैसिलिटी भी है। और ये जो अभी आया मैं ये पीछे की तरफ, दैट मीन ये टूअर्स गुवाहाटी, ये लास्ट है एक्चुअली टूअर्स असम की तरफ जाता है इधर से। तो प्लेटफॉर्म जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, आप कंटिन्यू वॉक करोगे आपको 5 मिनट्स लगेगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, 5 to 10 मिनट्स देख सकते हो यहाँ से। और ये जो रूम है ये अपना पोस्ट ऑफिस का एक सेपरेट यहाँ पर ऑफिस ही है, जो पोस्ट में आपका सामान वगैरह आता है तो यहीं से वो सर्कुलेटेड होता है हर जगह पे। तो प्लेटफॉर्म वन में भी खड़ा है, देखो एक ट्रेन आ रहा है अभी, देखते कौन सा ट्रेन है। तो अभी 2 बजे है तो ये कामरूप एक्सप्रेस का टाइम है जो गुवाहाटी से आता है और हावड़ा तक जाती है, तो 2 PM टाइम है तो कामरूप ही होगा ये, अनाउंस भी किया अभी तो कामरूप ही है ये। हाँ ये कामरूप एक्सप्रेस देख रहे हैं, कामरूप से में 2nd AC 3rd AC स्लीपर जनरल चेयर का ये सब है। 1st AC इधर का ट्रेन में नॉर्मल होता नहीं है, एक राजधानी में है उसी में है, बाकी जो नॉर्मल कोलकाता का ट्रेन है उसमें है नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताओ, और अपना चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट इस तरह का कुछ भी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो मैं शूट करता हूँ वो मैं आपको सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। और आप अपना वीडियो में कमेंट्स भी करिए सो दैट कोई भी अगर और जो कुछ वीडियो चाहिए आपको अलग तरह का तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।